Hello everyone. In this video, I'm going to explain how can we use if-else conditional statement to find a number is even or odd. तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैं नंबर को चेक करने जा रहा हूँ कि इवन है या odd, तो यहाँ पर यूजर से हम एक नंबर इनपुट लेंगे जिसको हम चेक करेंगे और उस नंबर को यहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ एक num वेरिएबल में. सो num equals to, और जैसे यहाँ पर हम यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं तो यहाँ पर मैं int फंक्शन का यूज कर रहा हूँ एक्सप्लिसिट टाइप का स्ट्रिंग के लिए. और हम यूजर से इनपुट जब भी लेते हैं तो उसको हम रिसीव करते हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से. और उसके बाद यहाँ पर मैं यूजर को मैसेज दे रहा हूँ एंटर एनी नंबर. तो यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है. तो जैसे यहाँ पर हम मैसेज दे चुके हैं प्रॉम्प्ट में एंटर एनी नंबर, तो ये मैसेज यूजर को आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा. और जैसे यूजर को ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा, यूजर एक नंबर टाइप करेगा और वो नंबर यहाँ पर इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव करेगा. और जैसे यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज कर रहे हैं इंट फंक्शन की हेल्प से, तो जो भी नंबर यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट फंक्शन रिसीव करने वाला है वो इंटीजर में कन्वर्ट करके इंट फंक्शन num वेरिएबल को असाइन कर देगा. तो इस तरीके से यहाँ पर एक नंबर जो कि यूजर प्रोवाइड कर रहा है num वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. इसके बाद अब यहाँ पर नंबर को चेक करना है कि इवन है या odd, तो उसके लिए मैं if else conditional statement का यूज कर रहा हूँ. सो if, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी नंबर इवन होता है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो num modulo 2 equals to 0. तो यहाँ पर जो भी नंबर यूजर ने प्रोवाइड किया वो num वेरिएबल में आएगा. और जैसे यहाँ पर हम num modulo 2 कर रहे हैं, मतलब कि 2 से num वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर अगर हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब नंबर हमारा एक इवन नंबर है. तो यहां पर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैसेज देने जा रहा हूं प्रिंट एंटर नंबर इज एन इवन नंबर. तो यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं और अगर नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है. इस तरीके से यहाँ पर ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर यूजर को मिल जाएगा. लेकिन अगर नंबर इवन नंबर नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा, तो ये मैसेज हम यहाँ पर यूजर को प्रोवाइड करेंगे एल्स का यूज करके. तो एल्स मैं मैसेज यहाँ पर सिंपली प्रिंट करूंगा एंटर नंबर इज एन ऑड नंबर. तो यहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है और इस तरीके से हम कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके कि वो इवन है या फिर ऑड. अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सेव करने जा रहा हूँ. सो कंट्रोल प्लस एस और यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं नेम दे रहा हूँ इवन ऑड सेव. अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ. सो कंट्रोल प्लस F5 और यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है एंटर एनी नंबर. और सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर एंटर करने जा रहा हूँ 6, और 6 जैसे हम जानते हैं कि एक इवन नंबर है और यहाँ पर हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है एंटर नंबर इज एन इवन नंबर. अब नेक्स्ट टाइम मैं एक ऑड नंबर एंटर करके चेक करूंगा कि रिजल्ट मुझे करंट यहाँ पर मिल रहा है या नहीं. तो अगेन हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एक नंबर को एंटर करने के लिए और इस बार मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ एक ऑड 17 और देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है एंटर नंबर इज एन ऑड नंबर. तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन स्टेटमेंट इफ एल्स का यूज करके हम इजिली फाइंड कर सकते हैं कि नंबर इवन है या फिर ऑड. तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो रहा है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ.